आपकी पसंदीदा मोटरसाइकिल हीरो मोटरसाइकिल अनेक गिफ्ट के साथ बंसी ऑटोमोबाइल नीम का थाना रिको एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। स्पेशल टीम ने 50 किलोग्राम की जलेबी की चाशनी करवाई नष्ट, जो कि खराब थी। जांच के लिए 12 सैंपल लिए हैं। शुद्ध आहार व मिलावट वार अभियान के तहत सीकर शहर में यह कार्रवाई हुई है। सीकर त्योहारों पर आमजन को शुद्ध व ताज़ा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग रसद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा व CMHO डॉक्टर निर्मल गहलोत के निर्देशन में दिवाली पर दीजिए अपने स्टाफ व खास दोस्तों को स्पेशल गिफ्ट। होटल जय विलास रिको एरिया नीमका थाना बंसिया मोटर्स के पास। धन्यवाद। FSO मदन लाल बाजिया, महमूद अली, नंदराम मीणा, प्रवर्तन अधिकारी अंशु तिवाड़ी, सुरभि मीणा ने सोमवार को सीकर शहर के बड़े खाद्य व्यापारियों के यहाँ कार्रवाई की। इस दौरान श्री श्याम जोधपुर स्वीट्स होम का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान 50 किलोग्राम जलेबी की खराब चाशनी पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया। वहीं मावा व घी के भी सैंपल लिए गए। कोर्ट रोड स्थित मिलन रेस्टोरेंट के यहां कलाकंद मावा का सैंपल लिया गया। वहीं मनभावन स्वीट्स के यहां से मावा पेड़ा, मिल्क केक, मदन हलवाई के यहां से घी मावा पेड़ा और लक्ष्मी स्वीट्स होम के यहां से पनीर गुलाब जामुन, कृष्णा जोधपुर स्वीट होम के यहां से मावा व बेसन की चक्की का सैंपल लिया गया। सोमवार को टीम ने 12 सैंपल लिए। सभी 2024 की इस दीपावली को खरीदिए बेहतरीन साड़ियां। घर लक्ष्मी साड़ी, कमला मोदी मार्केट, नीमका थाना, आज ही विजिट करें। सैंपलों की जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर अगर मिलावट पाई गई इन दुकानदारों के खाद्य वस्तुओं में, मिठाई में, तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मिठाई विक्रेताओं को साफ सफाई रखने की भी आवश्यकता के अनुसार मिठाई बनाने और शुद्धता सभी मानकों का पालन करने के लिए पाबंद किया गया है। और नीम का थाना के अनेक गांवों में भी इस प्रकार मिलावट की खराब मिठाई बेची जा रही है। टीम को गांवों में भी जाकर कार्रवाई करनी चाहिए। नीम का थाना सहित अनेक इलाकों में गाँवों की जो दुकान है ग्राम इलाकों की, वहाँ भी मिलावटी मिठाई बेची जाती है, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए टीम को वहाँ भी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है अनेक जगहों पर। अगर मिलावटी कोई खाद्य वस्तुएं मिठाई बेचता पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखते रहे झलको शेखावटी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 2024 की इस दीपावली को खरीदिए बेहतरीन साड़ियां। घर लक्ष्मी साड़ी, कमला मोदी मार्केट, नीमका थाना, आज ही विजिट करें।